नमस्कार, SSN सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डबल इंटीग्रेशन का वो पार्ट पढ़ रहे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर चेंज, क्रम बदलने का। dx dy है, उसको dy dx में कैसे कन्वर्ट करें, या dy dx है उसको dx dy में कैसे कन्वर्ट करें वो सीखेंगे। और फिर कन्वर्ट करने के बाद में कभी क्वेश्चंस में क्या आता है कि इसको कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद में इसका मान भी निकालिए। तो आज दोनों ही मेथड सीखेंगे, कन्वर्ट करना भी और उसका मान निकालना भी। क्यों किया जाता है कन्वर्ट? कन्वर्ट इसलिए किया जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन से जो dx dy है या dy dx है उसमें वैल्यू निकालना इजी नहीं होता, या कॉम्प्लिकेट बनता है, या पॉसिबल नहीं होता। उसको सिंपल बनाने के लिए उसको ऑर्डर में चेंज कर दिया जाता है, dx dy से dy dx में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका कोई जनरल रूल नहीं है, पहले जो कंडीशन से दी हुई होती है उनसे एक डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम बनाने के बाद में बस स्ट्रिप को चेंज कर देते हैं। यदि dx dy है तो स्ट्रिप खड़ी होगी, उसको dy dx में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आरडी कर देंगे, आरडी तो खड़ी कर देंगे। कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं, क्लियर करेंगे ये जो प्रॉब्लम्स है इसको। तो एग्जांपल्स ले रहे हैं, एग्जांपल फर्स्ट 0 to a, 0 to √a² - x² फंक्शन xy dx dy। ये एक एग्जांपल है डबल इंटीग्रेशन 0 to a, 0 to √a² - x² फंक्शन xy dx dy। फंक्शन का कोई मान नहीं है हमें, तो हम इसका मान नहीं निकाल सकते, बट इसका ऑर्डर चेंज करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इस डबल इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दीजिए। मतलब dx dy है तो आपको क्या करना है, dy dx करना है। ओके, पहले हम इसकी लिमिट्स लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखो, ये हम जानते हैं dx पहले तो ये x की लिमिट है, dy बाद में तो ये y की लिमिट है। तो ये यहां से x की और y की लिमिट्स देखेंगे। x का मान कहां से कहां तक है, 0 से x का मान a तक। x का मान 0 से कहां तक है, a तक। एंड y का मान कहां से कहां तक है, 0 से y का मान है √a² - x². ओके, x का मान यहां से यहां तक, y का मान ये है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² y² = a². स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x² + y² = में क्या आ गया, a² आ गया। किसकी इक्वेशन है, एक सर्किल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है। तो हमें एक सर्किल की इक्वेशन आई, एक पॉइंट ए है जहां एक्स वाई के पैरेलल आ गया, 0 0। इसका मतलब डायग्राम में देखते हैं, ये डायग्राम है। ओके, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स जीरो का आएगा वाई एक्स के ऊपर, और वाई जीरो कहां होगा, एक्स एक्स के ऊपर, ये हम जानते हैं। एक्स का मान इस जीरो से इधर है, जीरो से इधर, इसका मतलब पॉजिटिव साइड की बात कर रहा है। कहां तक जा रहा है, एक्स इक्वल में ए। सपोज ये पॉइंट कोई ए है तो यहां ये है एक्स इक्वल में ए। ये बात आ गई हमारे पास में, एक्स की जो लिमिट्स दी हुई है वहां से हमने एक रफली डायग्राम बनाया, और हमने क्या डिसाइड किया कि एक्स का मान इस पैरेलल लाइन के बीच में होगा, इन पैरेलल लाइन के बीच में होगा। अब कहां तक जाना है, नीचे कहां तक जाए, ऊपर कहां तक जाए, वो डिसाइड करेगा कौन, वाई की लिमिट। वाई की लिमिट क्या कह रही है कि जीरो, मतलब इसे ऊपर जाना है। अब कहां तक जाए, तो वाई का मान ये रहा x² + y² = a², इसका मतलब y का मान कहां से कहां तक है, y का मान एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है,
ए रेडियस का है, इसका मतलब सर्किल का सेंटर पॉइंट 0 0 है। सेंटर पॉइंट क्या है? 0 0, मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। रेडियस क्या है? ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए ही तो है, और इधर जितनी रेडियस इधर है उतनी ही रेडियंस इधर है। तो ये कह रहा है कि ये एक आप सर्किल बना दो, इस सर्किल के ऊपर का जो पार्ट है वो कह रहा है वाई। तो वाई का मान क्या कह रहा है? कि इस सर्किल से ऊपर जाओ, और ये कह रहा है कि इससे इधर जाओ। दोनों का कॉमन एरिया क्या आ गया? दोनों का कॉमन एरिया हमारे पास ये आ गया कि आपको इस एरिया का मान निकालना है। इस एरिया में एक्स भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों के बीच में आ गया, वाई भी सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके नीचे है। ओके, तो यहां पे ये पॉइंट भी क्या होगा? इसकी रेडियस ही तो है, और सर्किल की रेडियस क्या है? ए। तो ये पॉइंट भी क्या आ गया हमारे पास में? y इक्वल में a। ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में? y इक्वल में a। अब देखो कंडीशन क्या कह रही है, dx dy, इसका मतलब स्ट्रिप कैसी थी? खड़ी स्ट्रिप थी। यदि dx dy होता है तो खड़ी जो लास्ट में होता है वैसी स्ट्रिप होती है। यहां dy है तो y के पैरेलल, यहां लास्ट में यदि dx है तो x के पैरेलल होगी। यहां y का मान 0, यहां y का मान कर्व पे कांटेक्ट कर रहा है, और कौन से कर्व पे कांटेक्ट कर रहा है? ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, तो ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम हमने इस लिमिट को देख के बनाया। ये डायग्राम मेन डायग्राम है हमारे पास में। ये डायग्राम आने के बाद में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कैसे? सेम टू सेम डायग्राम बनाना है, सेम टू सेम डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम हमने इसके जैसा बना दिया। अब एरिया क्या है हमारे पास में? ओनली ये एरिया है, ये एरिया हमारे पास आ गया। स्ट्रिप को चेंज करना है, खड़ी है उसको आडी कर दो। ये स्ट्रिप हमने चेंज कर दी। यहां एक्स का मान क्या है? 0। तो इस स्ट्रिप का एक सिरा है वो कहां आ रहा है? एक्स इक्वल 0 पे। दूसरा कहां जा रहा है? इस कर्व के ऊपर। और ये कर्व कौन सा है? यही तो है। यहां से एक्स का मान निकालोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पॉइंट का मान क्या आ गया? एक्स इक्वल में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, स्ट्रिप के दोनों सिरे आगे। यहां मान क्या है? वाई इक्वल में 0, और ये मान निकाल ही रखा है हमने, क्या है? वाई इक्वल में ए। इसका मतलब वाई 0 से ए पे जा रहा है, एक्स 0 से इस कर्व के ऊपर आ रहा है। लिख दो लिमिट। तो यहां इस डायग्राम के अंदर x कहां से कहां तक जा रहा है? x 0 टू x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड y जा रहा है 0 टू y इक्वल में a। इंप्लाइज करके इसका जो चेंज फॉर्म है, चेंज फॉर्म हमारे पास में क्या आ गया? डबल इंटीग्रेशन। देखो dx dy है तो क्या लिखेंगे? dy dx। पहले किसकी लिमिट आएगी? y की लिमिट आएगी। y की लिमिट क्या है? 0 टू a। फिर x की लिमिट, x की लिमिट क्या है? 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फंक्शन एज इट इज, फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यहां x y है तो इसको y x करो, नो प्रॉब्लम, फंक्शन जैसा है वैसा रहेगा। चेंज किस में होगा? ओनली एक तो dx dy में, ये पहले आएगा ये बाद में, और इसकी लिमिट के अंदर, बस दो ही चेंज होंगे। फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना। इसको लिख देंगे dy dx। ओके, तो ऐसे हम किसी इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रिप को चेंज करते हैं। खड़ी y के पैरेलल है x के पैरेलल, x के पैरेलल तो y के पैरेलल बना देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल सेकेंड है 0 to 4a एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a टू रूट ए एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई फंक्शन एक्स वाई क्या मान निकालेंगे तो इसका भी ऑर्डर चेंज करना है हमें डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे पहले इनकी लिमिट्स लिख देंगे लिमिट्स क्या है हमारे पास में डी एक्स की लिमिट पहले एक्स का मान कहां से कहां तक 0 से 4a तक बाद में लिमिट किसकी dy की dy मतलब y कहां से कहां तक जा रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a टू रूट ax तक इसको थोड़ा सा सिंपल करें तो हमारे पास क्या मान आ गया y जा रहा है देखो इसको मल्टीपल कर दे तो एक्स स्क्वायर 4ay टू y कहां तक गया स्क्वायर कर लो इसका दोनों साइड y स्क्वायर इक्वल में 4ax ओके इसको मल्टीपल किया एक्स स्क्वायर इक्वल में 4ay टू स्क्वायर कर दिया बोथ साइड y स्क्वायर इक्वल में 4ax दोनों ही किसकी इक्वेशन आ गई पैराबोला की इक्वेशन आ गई ओके परवलय की इक्वेशन है ये 0 yx का मान ये कांस्टेंट लाइन का मान डायग्राम बना सकते हैं तो इसका डायग्राम बना लेंगे यहां x अक्ष यहां y अक्ष x का मान 0 कहां होता है y अक्ष के ऊपर x का मान 4a माना यहां ये कोई लाइन है जो x बराबर 4a पे है ये डायग्राम बनाए x स्क्वायर इक्वल में 4ay तो ये जो पैराबोला है कैसा पैराबोला बनेगा यहां x का मान आप नेगेटिव रखोगे तो भी y का पॉजिटिव आने वाला है और x का मान पॉजिटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव आने वाला है इसका मतलब y ऊपर रहेगा तो इस पैराबोला का ऊपर मुंह होगा ये बन गया हमारे पास ये कौन सा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल में 4ay दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल में 4x वाई का मान नेगेटिव रखो तो भी x पॉजिटिव वाई का मान पॉजिटिव रखोगे तो भी x पॉजिटिव ये है y पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये कैसे बनेगा हमारे पास में ऐसा बन जाएगा x equals to 4 इनके दोनों के जो मान है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मान निकालेंगे हम कहां ये कर्व देखो कंफ्यूज मत हो कि दूसरे कर्व कहां कांटेक्ट करेंगे कहां इंटरसेक्ट करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लो आप कैसे सॉल्व करेंगे यहां आप इन दोनों कर्व पे पहले देखो कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहां सेटिस्फाई कर रहे हैं या x का मान यहां से यहां रख दो यहां से x का मान क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर इक्वल में 4ay इंप्लाइज करके इसका स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 इसको इसे मल्टीपल कर दो 16 4 से मल्टीपल होगा 64 तो माइनस का 64 ये ए स्क्वायर इस ए से मल्टीपल होगा ए क्यूब और ये वाई इक्वल में 0 मतलब वाई कॉमन ले लें तो वाई क्यूब माइनस 64 ए क्यूब इक्वल में 0 वाई ये क्या बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो वाई माइनस 4a इंटू वाई स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर प्लस 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए माइनस बी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया प्लस ए बी तो ये बनेगा हमारे पास में 4ay
इसका मान निकालेंगे तो ये इमेजिनरी आएगा, काल्पनिक। श्रीधराचार्य से निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे। दो पॉइंट चाहिए हमें इंटरसेक्ट वाले, दो मिल रहे हमें, एक तो y का मान 0 और एक y का मान 4a। इसका मतलब है ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को, एक तो यहां अब y का मान आ गया, x का मान वो निकालो, इस y का मान आप यहां रख दो, जब y का मान 0 बनेगा इंप्लाइज करके x का मान भी क्या बन जाएगा 0। y का मान यदि आप 4a रख रहे हो तो 16a² तो x का मान भी क्या आएगा प्लस माइनस 4 आएगा, तो 4a माइनस वाला तो इसमें लेंगे नहीं अपन, यहां इसकी वैल्यू निकालेंगे करेंगे, तो माइनस वाला यहां रखेंगे तो इसका अंडर रूट लेंगे तो काल्पनिक आएगा, तो ये माइनस वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्लस मान यहाँ सेटिस्फाई, ज्यादा गहराई में मत जाओ, प्लस वैल्यू लेने क्योंकि ऊपर कट कर रहा है, पॉजिटिव इंटरसेक्ट में कर रहा है। तो x का मान 0, x का मान 4a, मतलब x y 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों कर और एक 4a 4a के ऊपर कर रहे, ठीक है। अब 4a वाली ये लाइन ही तो है, इसका मतलब ये लाइन और ये कर्व आपस में इस 4a के ऊपर तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, देख लिया हमने y 4a x 4a और ये लाइन भी तो x बराबर 4a पे है, तो तीनों पॉइंट काट रहे हैं। इसका मतलब अब आप आ जाओ कि आपने जो डायग्राम बनाया है इसके दो इंटरसेक्ट पॉइंट भी आपने निकाल लिए, डायग्राम भी आपने बना लिया। अब इस डायग्राम का एरिया कौन सा होगा, x बोल रहा है कि यहां से यहां के बीच में होगा, y कह रहा है इससे ऊपर, इस जो नीचे वाला पैराबोला है ना, इस पैराबोला से तो ऊपर जाओ और इससे नीचे आओ, इस पैराबोला से तो नीचे जाओ, जो नीचे वाली लाइन है उससे तो ऊपर जाना है, ऊपर वाला है उससे नीचे आना है, x के अंदर दाई साइड, इसमें बाई साइड, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट कौन सा आया हमारे पास, ये पॉइंट, ये एरिया हमारे पास आ गया जिसका ये पूछा है dx dy, लास्ट में क्या है dy, मतलब स्ट्रिप कैसी होगी y के जैसी, कैसी होगी y के जैसी, y खड़ा है तो ये स्ट्रिप भी खड़ी होगी। अब क्या करना है, डायग्राम सेम बनाना है, स्ट्रिप को बस खड़े से आडी करनी है, ओके। तो मान अपन ने निकाल लिया, अब डायग्राम बनाएंगे और इसकी लिमिट बता देंगे, हमारा काम फिनिश होता है। अब इसके जैसा डायग्राम बनाएंगे, ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स हो गई, एक तो पैराबोला ये आ गया, एक पैराबोला ये आ गया और ये लाइन आ गई, ये जीरो जीरो पे 4a 4a पे, ये x इक्वल्स टू 4a, ये x इक्वल्स टू 0, ये y इक्वल्स टू 0 और ये पॉइंट जा रहा है y इक्वल्स टू 4a, ओके। इतनी बात तो हमने यहां निकाली, ये किसका मान है, y का ही तो होगा दूसरे पॉइंट पे, तो y का मान 4a तक जा रहा है, x का मान 4a तक जा रहा है, x का मान 0 से जा रहा है, y का मान 0 से जा रहा है, स्ट्रिप क्या करनी है, खड़ी से आडी करनी है। जब भी एरिया दो कर्वों के बीच कहीं भी कट न करे, स्ट्रिप कहीं भी कट न करे, तो अपन एक ही एरिया मानते हैं, यदि किसी जगह कट कर जाए तो उसको दो एरिया में कन्वर्ट करके फिर करेंगे, वो जब जैसा डायग्राम बनेगा तब वहां बताएंगे कि हाँ देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसमें कहीं कोई कट नहीं आ रहा, तो यहां से स्टार्ट होके यहां चली जाएगी। अब आ जाओ, एक्स का मान कहां से है, एक्स इस वाले कर्व पे, और ये वाला कर्व कौन सा है, देखो ये वाला कर्व तो आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल में 4ay का, ओके। तो ये कर्व इसका है, किसका, इसका, यहां से x का मान निकालो, x का मान क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन में 4a का, और ये किसका है, इसका, x का मान कहां तक जा रहा है,
टू रूट ए वाई, कहां तक जा रहा है, टू रूट ए वाई तक। ओके, तो अब इसका जो डायग्राम तो हमने बना ही लिया, इसका चेंजिंग क्या बनेगा, चेंजिंग में आप x की लिमिट y की लिमिट दिख ही रही है डायग्राम में, वो लिमिट्स आप यहां अप्लाई कर दो, तो इसका जो चेंज ऑर्डर होगा वो क्या बनेगा, पहले कौन आएगा dy, y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 4a तक, 0 टू 4a, फिर x की लिमिट y स्क्वायर अपॉन में 4a से 2 रूट ए वाई, फंक्शन वो का वो रहेगा dy dx में चेंज हो जाएगा, और ये ऐसे हम इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी ऑर्डर चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, 0 टू 2a, 2ax माइनस x स्क्वायर टू 2ax, फंक्शन xy dx dy। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है dx पहले है तो x 0 टू 2a, dy बाद में, तो y यहां से यहां तक, पहले लिमिट लिख दो उसकी, x कहां से कहां तक है, 0 से 2a तक, y कहां से कहां तक है, 2ax माइनस x स्क्वायर से 2ax तक, इसका मान निकालो, y स्क्वायर x स्क्वायर इस साइड में आएगा प्लस x स्क्वायर इक्वल में 2ax, 2y स्क्वायर इक्वल में 4a, पैराबोला की इक्वेशन है निकालिए, सर्किल की इक्वेशन है, बट कैसी सर्किल बनेगी, इसके पॉइंट दो पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, इसको आप ऐसे लिख दो, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0, दो पॉइंट निकालने के लिए एक बार y का मान 0 रखेंगे, तो x x माइनस 2a बराबर 0, तो x एक तो 0 आ गया और एक x बराबर 2 आ गया, तो यहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि इसकी रेडियस क्या बनेगी। पहले आप डायग्राम बना, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, x का मान कहां से कहां तक है, 0 से 2a, x का मान 0 से 2a तक, y का मान इस सर्किल से इस पैराबोला तक है, तो यहां अब ये जो सर्किल और ये पैराबोला है ना, इनके आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चलेगा, हमें निकालने पड़ेंगे, यहां y स्क्वायर का ये मान यहां रख दो आप, 4ax प्लस x स्क्वायर इक्वल में 2ax, x स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 2ax इक्वल में 0, x इंटू x प्लस 2a, x का मान एक तो 0 आ गया और एक x का मान आ गया माइनस का 2, एक तो आपके पास में x का मान 0 आया, एक आ गया माइनस का 2a, y का मान, y का मान आप किसी भी इक्वेशन में x का मान रख दो, यहां आप x की जगह 0 रखोगे तो x की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो y का मान क्या आ गया, 0, जैसे आप x का मान 2a माइनस 2a रखोगे तो y स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का एट a स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो माइनस एट अंडर रूट में आएगा तो हमें नहीं चाहिए, तो x का मान एक तो 0,
पर वाई का मान जीरो है और एक कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में टू एक्स, फोर एक्स, एक्स जीरो वाई जीरो। ओके, तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम वाई स्क्वायर इक्वल में फोर एक्स, वाई आप पॉजिटिव रखोगे तो भी, एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव रखोगे तो भी, तो ये तो डायग्राम बन गया वाई का। अब आप आ जाओ इसके ऊपर, ये कह रहा है कि एक्स का मान जीरो से कहां तक जाएगा, ए तक। तो ये जो पैराबोला, देखो ये कट कौन कर रहा है, ये लाइन और ये पैराबोला है, ये लाइन और पैराबोला एक दूसरे को कहां कट करेंगे, तो आप इस पैराबोला के अंदर इस लाइन का मान रख दो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन और ये पैराबोला एक दूसरे को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर का मान क्या है, फोर ए एक्स, एक्स का मान ये रख दो टू ए, वाई स्क्वायर इक्वल में टू ए रखोगे तो एट ए स्क्वायर, वाई का मान क्या आ गया टू रूट टू ए। इसका मतलब एक्स का मान आप टू ए रखोगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का मान क्या आ गया, एक्स का मान टू ए रखने पर इस कर्व का मान निकाल लिया, ये मान आया, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, टू ए, टू रूट टू ए। इस पॉइंट के मान निकाल लिए, ये पैराबोला और ये लाइन के बीच क्या आ गया। अब आप इस सर्किल पे आ जाओ, सर्किल क्या कह रहा है, सर्किल कह रहा है कि इसका एक पॉइंट तो सर्किल वाई जीरो कब कब बन रहा है, वाई जीरो बन रहा है एक तो एक्स बराबर जीरो पे, दो पॉइंट आए हमारे पास में जीरो, वाई का मान जीरो रखने पे आया, इसका मतलब एक तो जीरो जीरो पे और एक आ रहा है टू ए जीरो पे। इतना तो पता है कि सर्किल की इक्वेशन है, इसका मतलब सर्किल एक बार तो एक्स एक्स को इस पॉइंट पे कट करेगा और फिर दोबारा इस पॉइंट पे कट करेगा, ऐसा एक सर्किल बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास में एक सर्किल, ये सर्किल बन गया। अब देखो यहां से कंफ्यूज हो गए कि जो सर्किल है ये इस पैराबोला के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमने इसको भी देखा है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट केवल ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर वाई का मान क्या बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर वाई का मान बनेगा माइनस एट ए रखेंगे तो ये बनेगा टू रूट टू ए अंडर रूट माइनस वन, मतलब ये काल्पनिक बन जाए, वो सारी कंडीशन से डिसाइड करेगी डायग्राम बनेगा क्या। यहां ये इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब नहीं कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो हमने देखा कि ये लाइन और ये पैराबोला किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है कि जीरो, इसका मान टू ए रख रहे हैं तो इस पॉइंट पे। अब ऐसे ही हमने सर्किल और पैराबोला का भी निकाला और ये देखा हमने कि सर्किल और पैराबोला एक दूसरे को केवल ओरिजिन पर कट कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर वाई का मान इमेजिनरी आ गया, वो कोई पॉइंट नहीं होता, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा पॉइंट होगा, तो ये कहां कट करेंगे एक दूसरे को, ओनली इस पॉइंट पर कट करेंगे। तो इसका मतलब अब इससे बाहर यदि अपन ने सर्किल बना दिया तो इसको यहां भी कट करेगा, यहां भी कट करेगा, इसका मतलब ये सर्किल के इसके अंदर अंदर इससे बाहर नहीं है, तो हम ऐसा सर्किल बना देंगे जो इसके अंदर अंदर आए, इसके बाहर हमें नहीं बनाना, क्योंकि यदि इसके बाहर बनेगा तो ये इसको एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा
जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि कंडीशन ही नहीं आ रही। अब जो एरिया है वो एरिया क्या बनेगा, एरिया पे आ जाओ। एक्स का मान 0 से 2a, का मतलब एक्स तो एक्स ने तो कह दिया कि इन दोनों लाइंस के बीच में आप कहीं पर भी एरिया मान लो। अब वाई डिसाइड कर रहा है, वाई कह रहा है कि आप इस सर्किल से तो ऊपर जाओ, ये सर्किल की इक्वेशन ही तो थी, इससे तो आप ऊपर जाओ और इस पैराबोला से नीचे आओ, इसका मतलब है ये एरिया है। ये सर्किल से ऊपर है और इस पैराबोला से नीचे है, इस एरिया के अंदर एक्स का मान भी सेटिस्फाई और वाई का मान भी क्या रहा है, सेटिस्फाई। लिंक कंडीशन क्या है, dy, इसका मतलब ऐसी स्ट्रिप है हमारे पास में, स्ट्रिप यहां से यहां तक जा रही, कहीं कोई कट नहीं है, ये कर्व जा रहा है, ये कर्व जा रहा है और ये लाइन, यहां से यहां तक कोई कट नहीं है, ये डायग्राम बन गया हमारे पास में। तो ये लिमिट्स के हमने डिसाइड किया कहाँ कट कर रहे थे कहाँ नहीं कट कर रहे, वहां से हमने डायग्राम बना लिया। अब जैसे इसको चेंज करेंगे, इस स्ट्रिप को हम जैसे ही डी खड़ी से आडी करेंगे तो ये इसमें कट आएंगे, वो कट कैसे आएंगे वो देखेंगे अपन डायग्राम के बाद। पहले इसके जैसा हम डायग्राम बना लेते हैं और फिर देखेंगे। और ये बात अभी मैंने की थी कि यदि डायग्राम में कट आ जाता है तो उसके स्ट्रिप में भी चेंजेस होंगे। ये इसके राइट हैंड साइड की है, ये एक्स इक्वल में 2a, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि थोड़ा समझने में इजी रहे। ये हमारा सर्किल बन गया और ये इसके बाहर पैरा हो, ओके। ये पॉइंट हमारे पास में है 2a, 2√2a, ओके। ये लाइन है हमारे पास में x इक्वल में 2a, यहां से ये हमारे पास में है पैराबोला की इक्वेशन, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल में 4ax। ये हमारे पास में सर्किल की इक्वेशन है और सर्किल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल में 2ax। ये हमारे पास में मान है, यहां x का मान 0 है, यहां y का मान 0 है। स्ट्रिप कैसी बनाएंगे, खड़ी से आडी बनाएंगे। खड़ी से क्या बना दिया हमने, आडी बना दिया। अब देखो यदि ये सर्किल नहीं होता इसके बीच में तो ये स्ट्रिप यहां से यहां तक आ जाती, कोई डाउट नहीं था, बट ये सर्किल आ गया तो यहां तक तो ये आएगी, ये स्ट्रिप यहां तक तो कोई डाउट्स नहीं है कि यहां से यहां तक आ जाए। उसके बाद में इसको इधर जाना है या इधर जाना है, दो रास्ते बन गए। एक तो रास्ता कह रहा है कि यहां आने के बाद में इधर अलग ही बन गया, एक इधर पूरा नहीं ले सकते क्योंकि ये हमें निकालना ही नहीं है, यहां तक निकालना है और ये निकालना है और ये निकालना है। तो जो ये स्ट्रिप थी इसमें कोई डाउट नहीं था, यहां से स्टार्ट किया उसने बढ़ता बढ़ता चला गया, कोई दो रास्तों में इसने नहीं ब्रेक हुआ, चला और चलता गया, एक ही रास्ता मिला इसको, चल गया। यहां आते ही यहां से यहां तक तो ये रास्ता, दूसरे में जैसे ही आया उसके बाद में चेंज हो गया। तो ये यहां से यहां तक एक स्ट्रिप में आ जाएगा, फिर इसके और इसके, तो इसका मतलब इसमें कितनी स्ट्रिप बनेगी, जितने एरिया बन रहे हैं, एक स्ट्रिप ये बन गई और एक स्ट्रिप बन गई हमारे पास में ये, क्योंकि ये तीन एरिया में कन्वर्ट हो गई। यहां आते स्ट्रिप कंफ्यूज हो गई कि उसको इधर जाना है, इधर दो रास्ते दिख गए तो दो स्ट्रिप में वो डिवाइड कर दिया कि यहां से यहां तक का एरिया ये स्ट्रिप
डिसाइड करेगी और यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये स्ट्रिप डिसाइड करेगी और यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये स्ट्रिप डिसाइड करेगी। यहाँ x का मान इससे निकालेंगे, यहाँ x का मान 2a है, यहाँ x का मान 2a है, इस पॉइंट का पे क्या आ जाएगा मान ये सर्किल बताएगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या मान आएगा ये सर्किल बताएगा और यहाँ पे क्या मान आएगा यहाँ पे ये पैराबोला बताएगा ये वाला। ओके तो पहले अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझो। इसका तो हो गया काम, इसको तो करते हैं। x का मान यहां पे इस पॉइंट के ऊपर तो ये है, तो x का मान क्या आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे y स्क्वायर अपॉन में 4, x 2a ये आ गया, यहां पे x का मान 2a है, ये वापस से कोई पैराबोला है तो यहां पर भी x का मान क्या आ जाएगा, दोनों में सेम ही रहेगा, x इक्वल में y स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये सर्किल है पूरा, अब यहां पे सर्किल का कौन सा पॉइंट आएगा, यहां पे सर्किल का कौन सा पॉइंट आएगा वो मान निकालना है हमें। तो इसका मान निकालने के लिए एक मान तो आएगा नहीं, दो मान आएंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये जो दो पॉइंट हैं ये दो पॉइंट अपन निकालेंगे। तो ये जो सर्किल की इक्वेशन है इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में जीरो। श्रीधराचार्य से एक्स के दो मान निकालो, x का मान क्या आएगा माइनस का b तो 2a प्लस माइनस अंडर रूट b a स्क्वायर 4 a स्क्वायर माइनस का 4 y स्क्वायर अपॉन में 2। ओके b स्क्वायर माइनस 4 ac वाले फॉर्मूले से 2a यहां है, यहां 4 कॉमन लेंगे 2 बाहर आएगा इसको कैंसिल कर देगा और पॉइंट क्या आ गए a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसके दो पॉइंट कौन से आ गए, एक तो आया a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक पॉइंट आ गया हमारे पास में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये जो सर्किल है इस सर्किल का यहां से यहां तक मान क्या है 2a, तो a कहां होगा यहां पे x इक्वल में a आएगा, यहां जीरो यहां a यहां 2a। ये क्या कह रहा है a में से माइनस करना है, पॉजिटिव संख्या होगी माइनस करेंगे तो a से कहां होगा लेफ्ट में होगा, तो a से लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा x इक्वल में a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इस पे आ जाओ, ये पॉइंट क्या कह रहा है a में प्लस करेंगे, अंडर रूट है रियल वैल्यू है तो पॉजिटिव रहेगा, ए से बड़ा मान आएगा, ए से बड़ा जाएगा तो कहां जाएगा राइट साइड में, तो इस पॉइंट पे क्या आ गया इसका मान, इस पॉइंट पे आ गया इसका मान ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सभी मान आ गए हमारे पास में। तो हम इसका क्या कर देंगे, इसकी स्ट्रिप को चेंज कर दिया, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमारे पास में मान आ जाएगा इसका, इसका ऑर्डर चेंज करने पर क्या मान आ गया, एक मान तो आ गया हमारे पास में ये एरिया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के एरिया में पहले y की लिमिट लगा दो। देखो y की लिमिट किस रेडियस का होगा, ये 2a है, इसका मतलब यहां से यहां तक का मान a है, तो यहां से यहां तक का मान भी क्या होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे y का मान क्या होगा, तो y का मान देखो यहां से यहां तक ही तो जा रहा है जीरो से a, x का मान कहां से कहां तक है इस पॉइंट कर्व से इस कर्व पे, इस कर्व का मान क्या है y स्क्वायर अपॉन में 4a और इस कर्व का मान क्या है a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। f ऑफ x y dx dy को किस में चेंज कर देंगे dy dx प्लस दूसरे कर्व पे आ जाओ, दूसरा कर्व कौन सा है इस वाले कर्व को ले लो, ये हमने
फर्स्ट कर्व ले लिया, ये सेकंड ले लिया और ये थर्ड ले। सेकंड के अंदर पहले y का मान लिखेंगे, तो y का मान कहां से कहां तक जा रहा है, a से टू रूट टू ए तक, कहां तक जा रहा है, a से टू रूट टू ए तक, तो a टू टू रूट ए तक। x का मान कहां से कहां तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, y स्क्वायर अपॉन में 4a से 2a तक, फंक्शन वही है एक्स वाई डी वाई डी एक्स, प्लस थर्ड इंटीग्रेशन में इस कर्व की बात कर ले, x का मान क्या है a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से 2a, और y का मान क्या होगा 0 से a, 0 से a, तो y का मान 0 से a, x का मान ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से टू ए, फंक्शन एक्स वाई डी एक्स। ओके, तो एक इंटीग्रेशन को ऑर्डर चेंज करते ही कितने इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, वो तीन इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। इसका मतलब जो एक एरिया था वो तीन एरिया में कन्वर्ट कर लिया हमने। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं ऐसे ही, जिसमें ऑर्डर चेंज के क्वेश्चंस हैं। तो आज आपके जो ऑर्डर चेंज करने के क्वेश्चंस हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं तो एक दो एग्जांपल और करेंगे हम आगे, अच्छे एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, उनमें डाउट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल फोर, जीरो टू इंफिनिटी एक्स टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई वाई डी एक्स डी वाई, इसका ऑर्डर चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करने के बाद में इसका मान निकालना है। ओके, वैल्यू दी हुई तो मान निकाल सकते हैं, फंक्शन बाद में देखेंगे, मान निकालेंगे तब, पहले हमें एक डायग्राम चाहिए। डायग्राम के लिए क्या करेंगे, एक्स का मान जीरो से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, वाई का मान कहां से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, डायग्राम बना दो। एक्स इक्वल में जीरो ये होगा, इंफिनिटी किसी पॉइंट पे जा रहा होगा, ये हमें पता नहीं है, तो डैश 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 करके लाइन बना था। वाई का मान जीरो यहां होता है, सॉरी वाई इक्वल में एक्स है, तो ये इनके बीचों बीच एक लाइन होगी। वाई का मान इंफिनिटी में नहीं पता हमें कहां तक जाएगा, तो क्या किया हमने, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि एक्स का मान इंफिनिटी वाई का मान इंफिनिटी, पॉइंट आ गया हमारे पास में, ये y का मान इंफिनिटी जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं कोई पता नहीं। एरिया क्या आया, एरिया कह रहा है कि x का मान जीरो से इंफिनिटी पे जाओ, y का x से यहां जाओ, इसका मतलब एरिया आ गया हमारे पास कि ये एरिया हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, सेम टू सेम डायग्राम बनाएंगे हम, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप और ये इनको कट करते हुए एक लाइन, और ये बना दिया एरिया। स्ट्रिप जो dx dy है, जो खड़ी स्ट्रिप थी, इसको क्या कर देंगे, आडी कर। यहां x का मान क्या है, जीरो, और ये स्ट्रिप यहीं पर रह गई x इक्वल में y पर, इस पॉइंट पे y का मान जीरो है, इस पॉइंट पे इंफिनिटी, चेंज कर दिया, जो जो मान आ रहे थे वो मान लिख दिया हमने। अब जैसे इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, तो इसका ऑर्डर चेंज तो क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट्स, पहले लिमिट्स किसकी आएगी, dy की, y की लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से इंफिनिटी, फिर x की लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से y, फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस वाई अपॉन में वाई, पहले क्या जाएगा dy,
फिर क्या आ जाएगा डी। ओके, तो इस डायग्राम को चेंज किया, चेंज करने के बाद में dx dy को dy dx में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मान निकालना है, तो अब इसका मान निकालेंगे इंप्लाइज करते, पहले किसका निकालते हैं जो लास्ट में होता है, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू वाई, e की पावर माइनस वाई अपॉन में वाई डीएक्स, और ये डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पूरा वाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई अपॉन में वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा मान, डीएक्स का एक्स बन जाएगा लिमिट जीरो टू वाई, ये डी वाई, जीरो टू इंफिनिटी एक्स का मान एक बार वाई रखेंगे एक बार जीरो रखेंगे, तो क्या जाएगा मान वाई ई की पावर माइनस वाई 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 माइनस जीरो डी वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई डी वाई, ई की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर होता है, और इस माइनस वाई का करेंगे तो माइनस वाई, लिमिट कहां से कहां तक है जीरो से इंफिनिटी, लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा ई की पावर माइनस इंफिनिटी, जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो, जीरो को आप किसी से मल्टीपल करो जीरो, माइनस जीरो कभी नहीं होता, ई की पावर जीरो होता है, जीरो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, ई की पावर माइनस इंफिनिटी है, देखो ई की पावर माइनस इंफिनिटी पावर नेगेटिव है कहां आएगा वन अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, इसका मान क्या होता है इंफिनिटी, ई की पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी और वन अपॉन इंफिनिटी का मान जीरो, तो इसका मान क्या बन गया जीरो, बाहर माइनस है नहीं लगाते जीरो पे, जीरो को जीरो होता है, प्लस ई की पावर जीरो का मान वन, तो फाइनली इसका मान क्या आ गया वन। ओके, तो ये आज कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें ऑर्डर चेंज करना सीखा, फिर ऑर्डर चेंज करने के बाद में वैल्यू कैसे निकालते हैं ये एग्जांपल सीखा, इस वैल्यू से हम इसका मान नहीं निकाल सकते, बट इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद इसका इजीली हम निकाल पा रहे हैं इसका मान क्या आ रहा है वन। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि ऑर्डर चेंज करने का क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्डर चेंज करते ही इसका मान निकाल पा रहे। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, अब इनके जो एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्या पैटर्न होगा, उसके लिए नोट्स अवेलेबल है, आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, और प्लस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व क्वेश्चन वो सारे उन नोट्सों में मिलेंगे, उन नोट्सों में और जो वीडियो लेक्चर है इन दोनों को आप देख के बनाओगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं आएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।